नमस्कार फ्रेंड एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों ऐसे शब्द हैं जो हमारे युवाओं को प्रेरित करते हैं अपने पढ़ाई अच्छे करने को अपने जिंदगी में बेहतर बनने को और कई एक ऐसे आयाम से जुड़ने को आज उसी विषय को लेकर पूर्वी सिंहभूम में यहां पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और इस मेले पे चर्चा करें उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक सर्वे 2020 में आया था जिसने कहा कि झारखंड में अनएम्प्लॉबिलिटी या अनएंप्लायमेंट का रेट 59.2 परसेंट है लगभग साठ प्रतिशत मतलब सौ प्रतिशत अगर बच्चे किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पास करते हैं तो उसमें लगभग साठ परसेंट बच्चे अनएम्प्लॉयड होते हैं और चालीस परसेंट बच्चों को नौकरी लगती है तो वो सिक्सटी परसेंट बच्चे कौन होते हैं बहुत बड़ा सवाल है ये वो सिक्सटी परसेंट बच्चे होते हैं हमारे ग्रामीण इलाके के उन गवर्नमेंट स्कूल से पास हुए हुए बच्चे होते हैं वो मिनिमम फैसिलिटीज में पढ़े हुए वो बच्चे होते हैं हमारे गरीब गुरबे परिवार से निकले हुए वो बच्चे होते हैं जिनको न कोई सपोर्ट मिलता है जिनको न कोई सहयोग मिलता है जिनको न कोई आइडिया और न कोई गाइड करने वाला व्यक्ति मिलता है तो वो व्यक्ति धीरे 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 धीरे, धीरे अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता चला जाता है और हमारा देश जो आज पूरे अनएम्प्लॉयमेंट के एक बहुत बड़े दवानल में फंसता हुआ दिख रहा है उसका वजह बन जाता है तो आज मैं फॉर्चुनेट हूं कि आज हमारे यहाँ रोजगार मेला का आयोजन किया गया है पूर्वी सिंहभूम में और उस मेला का आयोजन में बहुत बड़ा योगदान हमारे नियोजन पदाधिकारी का है जो डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये डे और नाइट इस मेला का आयोजन में और रोजगारों को रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए युवाओं में जाने जाते हैं सबसे पहले तो धन्यवाद आपका एक कौन सा हमको लगता है कि आपके आने के बाद दूसरी या तीसरी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है तीसरा रोजगार मेला है जो, जो आप पदस्थापित होने के बाद किया गया है। इस रोजगार मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है जरा बताएं। इस रोजगार मेला का मुख्य उद्देश्य पूर्वी सिंहभूम के सभी बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं जो छात्र छात्राएं हैं उनको रोजगार के अवसर से जोड़ना ताकि जो है सो हमारा पूर्वी सिंहभूम का जो ट का स्थिति है उसमें जो है सुधार हो सके जी तो ये तीसरी रोजगार मेला है पहले और दूसरे मेले का कैसा अनुभव रहा था आपको पहले और दूसरे मेले का अनुभव बेहतर जो अच्छा रहा हम लोग चाकुलिया जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर के रोजगार मेला किए और यहाँ पर भी इससे पूर्व दो बार जो है एग्जाम हम लोग रोजगार मेला का आयोजन कर चुके हैं इसके अलावा हमारे द्वारा समय समय पर भर्ती कैंप का आयोजन किया जाता रहा है जिसमें एक या दो कंपनियां जो है उनको बुलाते हैं और तो अभी तक का तो अच्छा यहाँ पर अनुभव रहा है जिसमें लोगों ने छात्र छात्राओं द्वारा जो भी हैं अपने बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं और इनके द्वारा जो है रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है हमारा जी तो पहले और दूसरे मेले में लगभग कितने बच्चों को रोजगार की गारंटी मिली थी और कितने लोगों को नियोजन मिल गया था लगभग वो तो अभी पूरा डेटा हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन तकरीबन जो है सो आ, हमारे पास जो चाकुलिया में किए थे उसमें आ, हमारे पास जैसा है कि तकरीबन चार सौ के लगभग वहाँ पर हम लोग किए थे और यहाँ जो गोलमुरी प्रादेशिक न्यायालय के कैंपस में हम लोग के द्वारा किया गया था रोजगार मेला का आयोजन उसमें तकरीबन जो है सो दोनों मिला के इसमें भी पाँच छः सौ के लगभग हमारे पास कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हुआ था और इसके अलावा हम लोगों पिछले मार्च में तो उसमें भी जो है सो लोगों का हुआ था। जी। तो अभी तक जो है अगर सभी को हम लोग एक जगह कंपाइल कर दे और देखो, तो तकरीबन पंद्रह सौ से दो हजार के बीच तो हमारा डेटा जो है सो पहुंच ही जाता है जी ये बहुत बड़ी बात है देखिए पदाधिकारी महोदय ने कहा कि 2000 लगभग 2000 बच्चों को नियोजन मिला ये अपने आप में बहुत ही गुड शाइन है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अब मैं तीसरे मेले की बात करता हूँ इसमें लगभग कितनी आई हैं जो आपकी सूचना में है ये इस आज के रोजगार मेला में अभी तक इसमें तेईस कंपनियों का हमने आमंत्रित किया था जी। है ना जिसमें अधिकांशता कंपनियां जो है यहाँ लोकल स्तर के हैं मतलब झारखंड के ही हैं जमशेदपुर आदित्यपुर की कंपनियां कंपनिया है ना तेईस का हम लोगों द्वारा किया गया है और इसमें से कुछ चार पांच कंपनी जो है सो बाहर की हैं लेकिन वो भी अच्छे कंपनी हैं जैसे वकारो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है एसीएल ग्रुप अहमदाबाद का है ट्रिगो पुणे का ये सब जो है सो बाहर की कुछ कंपनियां हैं लेकिन उनके यहाँ क्योंकि बेहतर अवसर है तो इसलिए उनको भी पार्टिसिपेशन का हम लोगों ने मौका दिया है जी तो एक थोड़ा सा डेंट लगता है हमारे यहाँ पर क्योंकि लेबर यूनियन के बड़े सारे लोग सक्रिय हैं क्योंकि स्टील सिटी है लेबर यूनियन बहुत प्राचीन है यहाँ का और हमारी बहुत लेबर यूनियन मजबूत है होनी भी चाहिए क्योंकि लेबर का हित सिर्फ यूनियन ही सोच सकती है तो उसमें लोगों का ये कहना है कि कंपनियाँ कम उनके जो बीच की बात हम शब्द नहीं टाउट्स के शब्द इस्तेमाल वो करते हैं मैं नहीं कर रहा कि वो लोग आते हैं मतलब मीडिएटर लोग ज़्यादा आ जाते हैं कंपनियां कम आती हैं डिसीजन मेकर कम आते हैं और वो लोग आ जाते हैं कि जो बच्चों के सर्टिफिकेट्स को लेते हैं या उनके साथ कुछ टाइप कर लेते हैं बाद में फिर वो बीच ऑफ ट्रस्ट होता है उन बच्चों को फिर कहते हैं कि आपको ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना होगा तब नियोजन मिलेगी मतलब विभाग पूरा मेहनत किया बच्चों ने अपना टोटल दिया लेकिन कंपनियां जो आती हैं उस कंपनियों को फिल्टर करने में कहीं ना कहीं हमें कमी हो जाती है क्या ऐसा कुछ है क्या नहीं एक्चुअली अभी जो जमशेदपुर में आने के बाद जो मेरा अनुभव रहा तो कंपनियों के द्वारा जो है सो यहाँ पर वेंडर के माध्यम से यानी कि जो टेम्प्रोरी स्टाफ हैं आप भी यहाँ के हैं तो आपको भी जो है सो इस चीज़ की जानकारी होगी कि अभी परमानेंट जो रोजगार है जो अपने कंपनी अपने पेरोल पर रखती हैं उस तरह के जो है सो वैकेंसीज उनके पास बहुत कम है अभी ज़्यादातर जो यहाँ पर देखने में जो प्रदृश्य सामने आया है उसमें यही है कि जो भी कंपनियाँ ले रही हैं कंपनी का नाम तो है लेकिन उनके बेंडर जो है वो जो है सो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं लेकिन ये चीज़ कि उनके द्वारा जो है जो इनका मतलब एक्सप्लाइट किया जाता है या फिर नहीं जो लेबर नॉर्म्स के अनुसार जो बनाया गया है अनस्किल्ड का स्किल्ड का सबका जो है सो सैलरी उनका फिक्स किया गया है पर डे के हिसाब से तो वो तो वो देती ही हैं दूसरा ये चीज़ है कि कुछ uh, अभी जैसे हमारे रोजगार मेला में टी आर एफ आई तो वो जो है सो टी आर एफ स्वयं आई है पिछले जो है सो हम लोग छः तारीख को किए थे मिनी रोजगार मेला का आयोजन हमारे द्वारा किया गया था उसमें टाटा मोटर से जो है सो खुद आया था है ना तो कंपनियां स्वयं भी भाग लेती हैं और अपने वेंडर के माध्यम से भी भाग लेती हैं है ना तो दोनों ही चीज़ें होती है एक अगर आपको टेम्पररी स्टाफ की आवश्यकता है तो आप बेंडर के माध्यम से तो उसमें भी हमारा जो ये मानना है हमारा मानना है जी आ, आप इसमें ज़्यादा बेहतर जो है बतला सकते हैं हमारा मानना है कि जैसे वेंडर के माध्यम से अगर टेम्प्रोरी के रूप में ऐसे भी टाटा स्टील में आज हमको लगता है कि तकरीबन 20 से तीस हजार लोग तो काम कर ही रहे हैं टेम्प्रोरी के रूप में उसे भी जो है सो वेंडर के माध्यम से कर रहे हैं टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं टेम्प्रोरी स्टाफ के रूप में अगर हमारे यहाँ मतलब झारखंड में ही अगर उनको मिल जा रहा है वेंडर के माध्यम से ही सही तो वेंडर के माध्यम से अगर उनको काम मिल जा रहा है बाहर जा कर के जैसे गुजरात हो मुंबई हो या फिर जो है बेंगलोर हो वहाँ जा कर के आप वहाँ भी जो पेरोल पर तो कंपनी आजकल मतलब ये चलन चला चल चुका है कि अब प्लेसमेंट एजेंसी जो है सो कोई भी कंपनी जो है उन्हें एक एजेंसी जो है सो नियुक्त कर देती है और उसके आधार पर ही जो है सो उन्हीं के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाता है सारा प्रोसीड्यूल किया जाता है जी। और उसके बाद जो है उनको तो रखा जाता है जी। तो इसमें जो है सो पेरोल वाली बात तो अब लगभग लगभग हमको लगता है कि बहुत कम ही कंपनी हैं कि जो कि ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट जो भी इनको पेरोल पर होता है तो इनके द्वारा जो है सो हमारे पास उसका सूचना पे आता है नोटिफिकेशन इनके द्वारा किया जाता है आ उसमें जो है सो इन लोगों के द्वारा जो एक्सपीरियंस का भी मांग किया जाता है तो अगर आप वेंडर के माध्यम से भी काम कर रहे हो टाटा मोटर्स में काम कर रहे हो आपके पास चार साल पाँच साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है

वेंडरशिप क्या वेंडरशिप को खत्म किया जा सकता है डायरेक्ट कंपनी और हमारा विभाग डायरेक्ट आप और आपके लोग क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है जो भी स्टूडेंट या जो भी जॉब सीकर रजिस्टर्ड होते हैं वो ये चाहते हैं कि विभाग उनको मदद करे और विभाग ही उनके कर्णधार होते हैं क्योंकि वो बहुत हाईली प्रोफेशनल नहीं होते स्किल्ड होते हैं या सेमी स्किल्ड होते हैं बहुत सारे तो अनस्किल्ड भी होते हैं तो उन लोगों के लिए आप एक गार्जियन स्वरूप हैं तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि बीच से वेंडर से फट जाए डायरेक्ट आप कंपनियों से टच में रहें और उनके सारे मान फैसिलिटीज और उनके साथ धोखा ना हो बेहतर काम हो ऐसा कुछ हो सके देखिए धोखा तो अभी भी नहीं होता है वेंडर अगर ले जाता है तो वेंडर जो है यहाँ के चूंकि लोकल हैं सभी का जो है लेबर डिपार्टमेंट में उनका आपका जो निबंधन होता है तो वेंडर जो है यहाँ के लोकल हैं वो धोखा तो अभी भी नहीं देते हैं रह तो गई बात कि कंपनी का तो कंपनी हमारे साथ डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई रहती है और जैसा कि हमने बताया कि जब उनके पास वैकेंसी पेरोल पर आती है तो वो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास करते ही हैं है, है ना और अभी तो सेवेंटी जो लोकल एक्ट लागू हो चुका है उसी कारण बाध्यता जो है सो मैंडेटरी अब हो गया अनिवार्य हो गया है कि अब जो है सो उनको करना पूर्व में भी जो है सो हमारे यहाँ एक कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट था उन्नीस जो है लागू था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है उसके तहत जो है सो वो लोग करते थे स्थानीय को माने वो ज्यादा से ज्यादा तरजीह देना था तो ये बताइए कि ये 75 जो स्थानीय लोगों को मैंडेटरी है देना जॉब ये कितना जायज है और आपके इस रोजगार मेले पर उसका क्या इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट पड़ रहा है रोजगार मेले पर हमारा इम्पैक्ट जो है सो इस एक्ट का सकारात्मक पड़ा है जी। और अभी जो है जितनी भी कंपनियां हैं जैसे ये सब सारे वैकेंसी जो है सो तो अब यहाँ से जो भी ले जाएंगे या अभी करेगी उसमें इनका जो है इस एक्ट का पालन इनको करना जो है अनिवार्य हो गया है कि अब सेवेंटी परसेंट जो है सो तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं

अधिकारी नियोजन अधिकारी जिससे कि उनको कुछ सहूलियत मिले रोजगार मिले में आने का अपने को रोजगार मिलने का देखिए सबसे पहला तो मेरा यह कहना है कि आप जैसे ही आप मैट्रिक पास करते हो तो इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जो आप जिले का इम्प्लायमेंट एक्सचेंज है जैसे हमारे पूर्वी सिंहभूम में दो इम्प्लायमेंट एक्सेंज कार्यरत है एक और प्रादेशिक नियोजनालय गोलमोरी जमशेदपुर में है और दूसरा है घाटशिला में वहाँ पर नियोजनालय चिल्ला ये इन दोनों नियोजनालयों में जा करके आप स्वयं करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन या रोजगार डॉट डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाकर के आप अपने साइट पर अपने मोबाइल से लैपटॉप के माध्यम से आप जो है स्वयं कर सकते हैं घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले यहाँ के लोगों को मैं मतलब उनका इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहूँगा और हम लोगों के द्वारा बीच बीच में रजिस्ट्रेशन कैंप वगैरह भी लगाया जाता है कॉलेज में जा के और अभी जो है सो स्किल वाले जितने सेंटर हैं वहाँ पर जा करके आई आई में तो जा के हम लोग द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन जो है सबसे पहला अनिवार्यता है जो कि करवा ही लेना चाहिए चूँकि ये निःशुल्क है तो आप एक जो है सो हमारे पास पूरे जिले का डेटा बैंक भी होगा कि झारखंड मतलब पूर्वी सिंहभूम में कितने बच्चे जो है सो अनएम्प्लॉयमेंट है ना तो यहाँ पर जो, जो निःशुल्क है तो आप जो कभी भी आकर के करवा सकते हैं ऑफिशियल टाइम में करवा सकते हैं अपने से कर सकते हैं ये आप जो है सो करवा लीजिए दूसरा चीज एक जो यहाँ पर आने के बाद अभी हम देखने में आया है कि कंपनियों द्वारा जितना भी वैकेंसीज दिया जाता है उसमें मोस्टली जो है सो जो, जो आप पेरोल की बात कर रहे थे तो पेरोल पर जितनी भी वैकेंसीज आती है उसमें क्या होता है कि उन लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस का मांग जो है सो ज़्यादा किया जाता है जैसे आप अभी देख रहे हैं खुद वैकेंसीज जो है सो देख रहे हैं टीआरएफ लिमिटेड का इन्होंने मांग किया है कि फाइव टू टेन ईयर्स एक्सपीरियंस जो रहेंगे है ना किसी में जो है सो चार साल पाँच साल का वन टू थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस का मांग किया गया है तो आप जब यहाँ हो जाएंगे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जैसे ही आप काम शुरू करते हैं तो काम शुरू करते हैं तो आप उसको हर साल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप उसको ऐड भी करते जाइए क्योंकि अब इनके द्वारा जो मांग किया जाता है और हमारे द्वारा जो सबमिशन किया जाता है कैंडिडेट का लिस्ट सबमिशन किया जाता है उसमें अगर आप अपना अपडेट नहीं करते रहेंगे तो फिर जो है आपका नाम जो है हम लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए उसको अपडेट भी करते रहना जरूरी है तो पहला तो है कि आप रजिस्ट्रेशन करें और उसको लगातार उस पर अपडेट करते रहें ये दोनों चीज जो है आप अगर करते रहेंगे तो निसंदेह कल का जो आने वाला कल है वो आपके लिए बेहतर जो है भविष्य लेकर के आएगा जी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज मैं अगर बात करूं तो झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और और प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर में हमने जो चर्चा किया नियोजन पदाधिकारी से बहुत अच्छी जानकारी मिली खास करके उन युवाओं के लिए जो हमारे ग्रामीण अंचल या सेमी ग्रामीण अंचल में रहते हैं रोजगार के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा क्यों क्योंकि ऑन डोर स्टेप कोई भी सहूलियत फैसिलिटीज नहीं जाती आपको अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने रोजगार के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा विभाग में आना होगा सारी सिस्टम ऑनलाइन है आप अपने रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्टर्ड आपको होना होगा और राज्य सरकार की जो भी सहूलियतें हैं या जो केंद्र सरकार की सहूलियतें हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलकर जो जो सेंटर है उस सेंटर पर विजिट करना होगा वहां से नॉलेज इन गैदर करना होगा और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना होगा जैसे कंप्यूटर साइंस है या फिर डाटा इंटरप्रेटर है जैसे आपका डाटा एंट्री के काम है या फिर और भी अन्य काम बहुत सारे हैं जिसके लिए आप खुद तैयार हो सकते हैं तो इस तैयारी के साथ जब आप आते हैं किसी भी रोजगार मेले में तो आपका सलेक्शन तय होता है क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमें एक प्रोडक्टिव हमें एक ऐसा पर्सन मिले जो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो तो कंपनी के लिए फायदेमंद आप तब होंगे कि जब आपके अंदर कुछ स्किल होगा तो आपके स्किल ही आपको रोजगार दिलवाती है तो स्किल बनने के लिए बड़े सारे साधन हैं अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आराम से अपने जिला के नियोजन पदाधिकारी के पास आए उनके पास आकर बैठे मिलें बातचीत करें आपको पूरी तरह से वो गाइड करेंगे कि आपका जीवन में रोजगार और जीवन में खुशहाली कैसे आएगी क्योंकि ये विभाग ही बना है हमारे युवाओं को राह दिखाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूर्वी सिंहभूम इसमें बहुत बेहतर काम कर रही है मैं कई एक महीनों से देख रहा हूं कि ये लगातार बेहतर और बेहतर करती जा रही है और इस विभाग की बेहतरी हमारे युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाती है नमस्कार डॉक्टर शर्मा के साथ